हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, आज हम बेसन की सब्जी बनाएंगे। तो बेसन लिया है मैंने 2 कटोरी यहाँ पर। इसमें डाला है मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है हल्दी पाउडर डाला है, और लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून, और 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है जो है पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सारे मसाले जो हैं वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाले हैं थोड़े से, और थोड़ा मैंने क्या नाम है इसमें कटा हुआ धनिया भी डाला है, और 2 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन इसमें मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इससे जो है वो बेसन की सब्ज़ी जो है सॉफ्ट रहेगी। इसमें कटा हुआ धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये सारे मसाले जो हैं मेरे बचे हुए वो सारे मैं इसमें जो है डाल दूंगी। 2 चुटकी हींग डाली है जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और ये सारे मसाले बचे हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, 2 टीस्पून के करीब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे मोइन के लिए, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से जब मोइन हो जाएगा ये बेसन, फिर हम इसको जो नॉर्मल पानी होता है वो डाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको डो तैयार कर लेंगे। इसका ना ज़्यादा सॉफ्ट हो डो और ना ज़्यादा टाइट हो, इस तरीके का इसका डो जो है हम वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए जो डो है हमारा तैयार होने लगा है धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा टाइट है। थोड़ा सा पानी के छींटे मार के इसमें मैं अच्छे तरीके से इसको मार लूँगी। ये देखिए डो हो गया हमारा तैयार। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी जो है वो लोइयाँ बना करके लंबी सी वो तैयार करूँगी पेड़े से, क्योंकि हम इससे बना रहे हैं आज पुंगड़ियाँ। हमारे यहाँ यूपी में इसको पुंगड़ियाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या इस सब्जी को, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके यहाँ इस सब्जी को क्या बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस सब्जी को बोला जाता है पुंगड़ियाँ। और मैंने इसमें मेंशन किया है कि इसको बेसन के रोल कह सकते हैं, या मैंने कई बार देखा है गट्टे भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसके अलावा मुझे पता नहीं कि इस सब्जी को क्या बोलते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी लंबी सी लोई बना करके मैंने सलाई पर जो है इसको इस तरीके से प्रेस किया है, और इसका एक बड़ा सा जो लंबी सी लोई जो है वो कर लूँगी मैं इसको इसी पे प्रेस करके, और फिर एक रोल बना लूँगी। जैसे ही ये रोल तैयार हो जाएगा, ये परफेक्ट रोल बनना चाहिए, बीच में से फटना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसको हम घुमाते चले जाएंगे, और ये जो है बन के तैयार हो गया हमारा रोल, मतलब पुंगड़ियाँ जो है वो हमारी बन के तैयार है। इसी तरीके से हम सारी पुंगड़ियों को जो है धीरे धीरे करके तैयार कर लेंगे हल्के हाथों से। बस ये है कि ये इस तरीके से बनी हो कि ये कहीं से फटी हुई ना हो। और जैसे ही ये हमारी जो पुंगड़ियाँ हैं ये तैयार होती हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये सारी पुंगड़ियाँ। देखिए इसमें जो धनिया और हरी मिर्च और हींग का फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम पानी को जो है ये गर्म कर लेते हैं। ये गैस पर मैंने पानी गर्म कर लिया था, उबाल लिया था, और सारी पुंगड़ियाँ एक एक करके धीरे धीरे करके मैंने इसमें डाल दी हैं गरम करने के लिए, अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। गैस को हम जो है वो मीडियम कर देंगे, जिससे कि इसमें बॉईल जो उबाल है वो आता रहे लगातार, और जो पुंगड़ियाँ हैं वो हमारी सारी बॉईल हो जाएंगी। जब तक ये पुंगड़ियाँ हमारी बॉईल होती हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम प्याज हैं, 3 टमाटर हैं छोटे छोटे, और ये थोड़ी सी अदरक, और ये 5 से 6 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं। और बस अब हम इनको क्या करेंगे, प्याज टमाटर और ये जो लहसुन है इसको सबको पीस लेंगे। टमाटर को अलग पीसेंगे और प्याज लहसुन अदरक को अलग। ये देखिए जब तक हमारी पुंगड़ियाँ जो हैं ये बॉईल हो चुकी हैं, अब गैस को बंद कर देंगे हम, और इसमें से धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से सारी पुंगड़ियाँ निकाल लेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। और देखिए एक दो तो इसमें से टूट भी गई हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमको बाद में ठंडी करके ही काटनी है, छोटे छोटे पीसेस करने। और ये जो बचा हुआ पानी है ये हम बाद में सब्जी में जो है ऐड कर लेंगे, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। तो ये जो पुंगड़ियाँ हैं ये हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो इसको हम चाकू से काट लेंगे सावधानी से। ये देखिए इस तरीके से इसको काटेंगे। ये देखिए एक्चुअली मैं एक हाथ में मेरे में फ़ोन है जिसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा पुंगड़ियों का साइज होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। ये देखिए तो ये जो पुंगड़ियाँ हैं हम इस तरीके से सारी काट लेंगे। सारी पुंगड़ियों को देखिए हमने काट लिया है इसी साइज में, ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ज़्यादा पतली हैं, जो कि हम जब इनको खाएं तो ये इजीली जो है हमारी रोटी के टुकड़े में या स्पून में आ जाए।
इस तरीके से इसके साइज जो है वो रखते हैं। ये जब सारी जो हमारी है पूड़ियाँ ये बन के तैयार हो गई हैं, तो हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे 1 टेबल स्पून, और उसमें इन सबको फ्राई कर लेंगे हल्का सा, मतलब हल्का सा और गोल्डन कलर इनका आ जाना, जिससे ये और ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती हैं। तो चलिए ये देखिए अब भुन के जो है वो तैयार हो गई हैं, फ्राई हो चुकी हैं। इनको इनको निकाल लिया हमने इनको, और अब कढ़ाई में जो तेल हमने दोबारा से फिर से लिया है 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने अपना जो पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन और अदरक का, वो हमने इसमें भून लिया है। थोड़ा सा हमने जीरा भी डाला था पहले इसमें क्रैकल होने के लिए, वो वीडियो थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई है। तो ये देखिए अब हमने डाला इसमें 2 चुटकी हींग। जब तक ये मसाला हमारा भुन रहा है तब तक हम क्या करेंगे, 1 कटोरी में 1 टेबल स्पून पानी लेंगे और उसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। पुंगड़ियों में भी हमने पहले नमक डाला था, तो नमक हम यहाँ पर ध्यान से डालेंगे। और 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 2 टीस्पून के करीब आप धनिया पाउडर ले सकते हैं इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर, जो भुना हुआ मसाला है हमारा इसी में हम इसको ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये जो कलर छोड़ेगा हमारा मसाला, ये देखिए इसको भुनेंगे हम अच्छे से, जैसे ही ये कलर छोड़ देगा हमें जो है इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कम ही तेल हमको डालना है, क्योंकि हमने पुंगड़ियों में भी थोड़ा तेल डाला था और मसाले को भी भूनने में भी हमको कम तेल यूज़ करना है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। अब धीरे धीरे हम टमाटर को चलाएंगे और अच्छे से इसको हम इसको भून लेंगे मसाले को। और जैसे ही ये टमाटर और प्याज जो है हमारा रंग छोड़ेगा, कलर छोड़ेगा, तभी हम इसमें जो अपनी पुंगड़ियाँ जो है ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मसाला हमारा जले नहीं और अच्छे से ये गल जाए टमाटर, और ये अच्छे से मसाला जो है हमारा कलर छोड़ दे। और ये देखिए हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि ये नीचे तली में लगे नहीं। मसाला जो है वो हमारा बन चुका है, हमने इसमें पानी डाला है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी पुंगड़ियाँ जो हमने फ्राई की थी वो हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे, और इनको हल्के हाथों से हम चलाएंगे, और धीरे धीरे सारी पुंगड़ियाँ हम इसमें अपनी डाल देंगे इस पानी में। और फिर उसके बाद हमको इतना पानी रखना है कि जितनी हमको ग्रेवी चाहिए है पुंगड़ियों में, उतनी ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी रखेंगे, क्योंकि हमको इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हमको उबालना भी है, जिससे जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये जो है ग्रेवी हमारी अच्छी टेस्टी बन जाए। अब ये देखिए 5 मिनट हमने ये उबाल लिया है, और देखिए हमको इतनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी। फिर हमने इसमें डाल दिया है कटा हुआ धनिया। तो पुंगड़ियाँ जो है हमारी बनके तैयार हैं। मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है पुंगड़ियों को। ये देखिए मैं दिखाती हूँ पुंगड़ियाँ हमारी कितनी सॉफ्ट हैं। ये देखिए ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी पुंगड़ियाँ काफ़ी टाइट होती हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये देखिए आप, अब मैं लगा लेती हूँ भोग, फिर आपको बताती हूँ कि पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी हमारी कैसी बनी है। तो कुछ लोग जो है पुंगड़ियों को चावलों के साथ भी खाना पसंद करते हैं, उसके साथ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको नान के साथ भी, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इन्हें यहाँ पर रोटी के साथ सर्व किया है, और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी जो पुंगड़ियाँ हैं वो हमारी कैसी बनी है। पहली बात तो ये कि जो पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी है ये बहुत ही मतलब प्रोटीन से भरी हुई, और इसमें काफ़ी फाइबर और प्रोटीन वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ये पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी जो होती है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये देखिए ये मैं टेस्ट कर रही हूँ पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बताती हूँ आपको कैसी बनी है ये। तो पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी टेस्ट में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो आप इस तरीके से पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि पुंगड़ियाँ की सब्ज़ी को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। मैंने इनको गट्टे भी, मैंने सुना है कि गट्टे भी बोलते हैं कुछ लोग बेसन के, लेकिन हमारे यहाँ पुंगड़ियाँ ही बोलते हैं। शुरू से बचपन से मैं पुंगड़ियाँ ही सुनती चली आ रही हूँ। तो ये मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो अगर आपको ये पसंद आई हो रेसिपी, आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।